गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोग जो कल का हमारा जो डिस्कशन हुआ था अस्टलेवो जेनरा में, तो वो ये था कि जो है आपका कि अभी तक उसमें जो कल हम जो आपके बीच में डिस्कस कर गए थे वो लूज स्मट और कवर्ड स्मट आपका कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो आज का जो मेरा जो वीडियो रहेगा वो है कि अस्टलेवो की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब देखिए जरा, क्योंकि ये एक ऐसा जेनरा है अस्टलेवो, इससे काफी कुछ सवाल जो है ये एक तो कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी एक आ सकता है कि डिस्क्राइब इन डिटेल लाइफ साइकिल ऑफ अस्टलेवो, और इसके साथ जो आपके जो सेक्शन ए में जो सवाल बनेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उनमें अगर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कभी लिखवा देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, या कुल मिला के ये भी एक सवाल है कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, तो उसको उस लिहाज से देखते हैं जरा क्या है इसमें। सबसे पहली चीज आप लोग जानते हैं कि जैसे जब हम कोई डिस्कशन करते हैं तो जैसे वेजिटेटिव संरचना या इसकी जो जो कायिक संरचना है जो वो किससे मिलकर बनी होती, जैसे अगर हम लोग अपना प्लांट बॉडी लेते हैं, थोड़ा हम समझ के चलते हैं कि जैसे हमारा अपना है, ठीक है, तो जो है सेल है, क्या है आपका सेल, तो सेल के बाद बच्चों क्या होता है आपका टिश्यू। अब चूंकि ये केस है काय का आपका फंजाई का, काय का है आपका फंजाई का, और फंजाई को हम क्या कहते हैं बच्चों, कवक, क्या कहते हैं कवक। और जैसा कि हम जनरल करेक्टर में काफी डिटेल में डिस्कस कर गए थे कि जो फंजाई की प्लांट बॉडी है वो काय से निर्मित होती है आपकी हाइफी से, काय से, ये हमारा रफ पोर्शन है, इसको हम इस तरीके से समझाते हैं। और जब अनेक हाइफी इकट्ठी होकर क्या करते हैं आपकी, क्या बनाते हैं आपके माइसीलियम, क्या बनाते हैं माइसीलियम, यानी कि जो है आपके हाइफी और माइसीलियम, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं कवक तंतु, और इसको कहते हैं कवक तंतु, और इसको कहते हैं कवक जाल, क्या कहते हैं कवक जाल, यानी कि एक सेंस निकलता है जब अनेक हाइफी इकट्ठी होकर तो क्या है जाल सदृश संरचना बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं आपके माइसीलियम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लेते हैं कि माइसीलियम, जैसे ये मेंबर है आपका बेसिडियो माइकोटेना का, तो माइसीलियम कैसा होता है, तो माइसीलियम आर मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच, माइसीलियम आर मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच। हमें बहुत ज्यादा हिंदी में नहीं जाना है क्योंकि कुछ चीजें हमें करनी होगी अंग्रेजी में ही तैयार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा कि माइसीलियम आर मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच, ठीक है, और ब्रांच जो है आपके हाइफी से निर्मित होता है, काय से निर्मित होता है हाइफी से, क्योंकि ये चीज हम यही ओपन कर दिए हैं कि इसकी यूनिट क्या है आपके हाइफी, क्या है आपका हाइफी, ये कहीं से और कोई शब्द नहीं लिया कि माइसीलियम आर मल्टी सेलुलर, जैसे दो होती है आपकी एक कोश की और बहु कोश की, और ब्रांच माने क्या होता है मल्टी सेलुलर का मतलब होता है आपका कि बहु कोश की, क्या होता है बहु कोश की, और इसको कहते हैं आपका ब्रांच माने साखित, क्या है आपका साखित, ठीक है, और हाइफी माने कवक तंतु। तो इतना हम लोगों को हिंदी में नहीं जाना है, सीधे सीधे लिखना है कि माइसीलियम आर जो है आपके मल्टी कलम जो इसका जो माइसीलियम आर मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच हाइफी से निर्मित होता है, ठीक है। और अब चूंकि हम यहां पर लाइफ साइकिल किसका पढ़ रहे हैं, अस्टलेगो का, और हम स्ट्रक्चर वेजिटेटिव काहे की ले रहे हैं अस्टलेगो की, तो अब हम अस्टलेगो का मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हम अपना जो है लाइन चेंज करके इस बात को लिखेंगे कि अस्टलेगो के लाइफ साइकिल में दो प्रकार के माइसीलियम पाए जाते हैं, एक तो होता है प्राइमरी माइसीलियम, कौन सा आपका बच्चों प्राइमरी माइसीलियम, और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी माइसीलियम, क्या होता है सेकेंडरी माइसीलियम। अभी हम आपको समझा देते हैं, इसके बाद एक एक चीज को आपको बिल्कुल क्लियर करते हुए आगे चलते हैं। अगर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आती कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, ना आपको समझने में ना लिखने में, थोड़ा सा केवल जो है आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बताई कि माइसीलियम मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच हाइफी से निर्मित होता है, ठीक है, और अस्टलेवो के लाइफ साइकिल में दो प्रकार के माइसीलियम पाए जाते हैं, सबसे पहला है आपका प्राइमरी माइसीलियम और दूसरा वाला है कौन सा आपका सेकेंडरी माइसीलियम, ठीक है। अब देखिए जरा हम प्राइमरी माइसीलियम की परिभाषा देते हैं। प्राइमरी माइसीलियम आर जो है आपका प्राइमरी माइसीलियम जो होता है वो क्या होता है कि सेप्टेट, कैसा होता है प्राइमरी माइसीलियम, कैसा होता है सेप्टेट, प्राइमरी माइसीलियम कैसा होता है सेप्टेट,
सेप्टेट का मतलब क्या होता है, इसमें सेप्टा पाए जाते हैं। जैसे सपोज कोई चीज है, थोड़ा सा हम इसको एक रफ फिगर के माध्यम से लेते हैं, जैसे ये है, तो इसमें इस तरीके से क्या है आपके पट पड़े हुए हैं, तो इससे ये शब्द हो गया आपका, ये जो आपका क्या होता है आपका सेप्टेट। और इसमें एक चीज होती है, इसमें वन नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम जो है कहते हैं कि इसमें जो है पाए जाने वाला न्यूक्लियस कैसा है आपका, हैप्लॉयड। तो प्राइमरी माइसीलियम कैसा होता है आपका, सेप्टेट एंड जो है आपका सेप्टेट एंड, और उसमें पाए जाने वाला न्यूक्लियस कैसा है आपका, एक एक न्यूक्लियस है हैप्लॉयड न्यूक्लियस पाया जाता है। और चूंकि ये बनता कैसे है आपका, बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से। कैसे बनता है, बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से, ठीक है। और बेसिडियोस्पोर में प्लस और माइनस स्ट्रेन के हाइफी होते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर ये प्लस का हो सकता है या कैसा हो सकता है आपका, माइनस का। तो बच्चों सबसे पहले परिभाषा हमारी निकल के आई, माइसीलियम जो है कैसा है आपका, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड हाइफी से निर्मित होता है। अस्टलेगो के लाइफ साइकिल में दो प्रकार के माइसीलियम पाए जाते हैं, प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम। अब हम अगर प्राइमरी की परिभाषा करें, प्राइमरी माइसीलियम आप सेप्टेट और उसमें जो है आपका हैप्लॉयड न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो जो है बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से बनता है। और बेसिडियोस्पोर में जो है आपके दो होते हैं, आपके प्लस और माइनस स्ट्रेन, तो ये प्लस वाला होगा या क्या होगा आपका, माइनस वाला, ठीक है। और कुछ समय के पश्चात शीघ्र ही ये जो है चेंज हो जाता है काय में, आपके सेकेंडरी माइसीलियम। कुछ समय पश्चात ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है काय में, आपके सेकेंडरी माइसीलियम में, काय में आपके सेकेंडरी माइसीलियम में, ठीक है। बच्चों एक चीज और है कि इसको एक नाम और दिया गया है, इसको प्राइमरी माइसीलियम कहा गया है, और एक नाम और है मोनोकैरियोटिक। क्या नाम दिया है, मोनोकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक, इसका एक नाम और है प्राइमरी माइसीलियम अथवा मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, ठीक है। और शीघ्र ही प्राइमरी माइसीलियम या और एक नाम और निकल के आ रहा है कि जो है कि हैप्लोमाइसीलियम, और कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, हैप्लोमाइसीलियम, ठीक है, और हैप्लोमाइसीलियम। उस समय पश्चात ये जो आपका प्राइमरी माइसीलियम है ये चेंज हो जाता है किसमें, आपके सेकेंडरी माइसीलियम में, ठीक है। और सेकेंडरी माइसीलियम भी कैसा होता है आपका, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, कैसा होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। थोड़ा सा बच्चों इसमें चेंजिंग है, आपको बताते हैं कि सेकेंडरी माइसीलियम कैसा है आपका, सेप्टेट है, और कैसा है आपका, ब्रांच। और इसमें एक शब्द आया था कि हैप्लॉयड, और इसका नेचर होता है डाइकैरियोटिक, कैसा है आपका, डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ कि इसमें देखिए बच्चों, बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं कि जैसे उन्होंने हैप्लॉयड के बाद सीधा डिप्लॉयड शब्द उन्हें याद रहता है, जबकि इसके केस में ये लागू नहीं होता, इसके लिए शब्द होगा डाइकैरियोटिक। और डिप्लॉयड की परिभाषा क्या है, जब दोनों फ्यूज हो जाए, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेल में एक देखे तब उसको कहते हैं डिप्लॉयड, और एक सेल के अंदर जो है जब दो न्यूक्लियस हो तो उसे कहते हैं आपके डाइकैरियोटिक। तो ये कैसा होगा, सेप्टेट ब्रांच एंड डाइकैरियोटिक, कैसा होता है, डाइकैरियोटिक, ठीक है। ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, डाइकैरियोटिक, यानी कि एक चीज आई निकल के कि इसमें पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कैसे होंगे, दो संख्या में होंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है प्रत्येक में एक सिंपल पोर होता है, क्या होता है आपका, सिंपल पोर। प्रत्येक जो है इसमें सेप्टा में क्या होता है आपका, सिंपल पोर। इसकी सहायता से ये दूसरी सेल से क्या रहता है आपका, अटैच्ड रहता है, ठीक है। और अस्टलेगो में क्या होता है आपका कि सेकेंडरी माइसीलियम, कौन सा माइसीलियम आपका, अस्टलेगो के लाइफ साइकिल में जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो क्या करता है कि बच्चों कि जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो जो है आपके होस्ट के डिफरेंट इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रवेश कर जाता है। इन अस्टलेगो लाइफ साइकिल ये क्या करता है, होस्ट के किन प्लेसेस में, आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस में। अब बच्चों फिर एक कंफ्यूजन क्रिएटिंग बात आई है कि इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, होस्ट के अंदर सीधे जो है उस पर टिप कर दे, और इंटरसेलुलर की परिभाषा क्या है कि होस्ट की दो सेल के अंदर ग्रोथ करे, और तो इंटरसेलुलर स्पेसिस में प्रवेश करके और हॉस्टोरिया द्वारा ये क्या करता है आपका, भोजन का एब्जॉर्प्शन करता है, किससे, आपके होस्ट से, ठीक है। और इस हॉस्टोरिया द्वारा जो है इससे भोजन को क्या करता है आपका, एब्जॉर्प्शन के द्वारा ग्रहण करता है। तो ये हमारी पूरी समरी रही काय पे, आपके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अस्टलेगो। अब बच्चों यहां काय के हमने बहुत ज्यादा फैला दिया है, एक बार हम इसको समेट के आपको जो है एक बार हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, चूंकि लिखने में और पढ़ाने में बहुत बड़ा अंतर होता है कि समझाने के लिए इधर उधर शब्द लेना पड़ता है, लेकिन समझाने, अब देखिए जरा बच्चों एक बार आपको रिविजन दे दें
कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हमने सबसे पहले डाला हुआ है अस्टिलेगो और स्मट फंजाई, और इसमें साइड हेडिंग डाला हुआ है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कायिक संरचना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कायिक संरचना में सबसे पहला शब्द आया कि माइसीलियम जो है कैसा है आपका मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड हाइफी से निर्मित होता है, और अस्टिलेगो के लाइफ साइकिल में दो प्रकार की माइसीलियम पाए जाते हैं, प्राइमरी माइसीलियम और सेकंड नंबर है आपका सेकेंडरी माइसीलियम। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से करा रहे हैं कि प्राइमरी माइसीलियम की परिभाषा हम दे रहे हैं कि प्राइमरी माइसीलियम आर सेप्टेट हैप्लोइड, ठीक है, और ये जो है आपके बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से ये तैयार होता है, और इसमें जो ये प्लस अथवा माइनस स्ट्रेन का हो सकता है, इसको हम मोनोकैरियोटिक और हैप्लोमाइसीलियम भी कहते हैं, ठीक है। शीघ्र ही यह माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम में क्या हो जाता है आपका परिवर्तित। तो सेकेंडरी की परिभाषा क्या हुई, सेकेंडरी माइसीलियम जो है आपका सेप्टेड एंड ब्रांच्ड होता है, और इसमें चूंकि ये कैसा था आपका हैप्लोइड नेचर का मोनोकैरियोटिक, और ये कैसा है आपका डाइकैरियोटिक, यानी कि इसकी प्रत्येक सेल में क्या होता है आपके टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, या दो हैप्लोइड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, और ये जो है आपके इसमें पाए जाने वाले पोर कैसे होते हैं आपके सिंपल, कैसे होते हैं सिंपल, और ये जो है आपके अस्टिलेगो के लाइफ साइकिल में ये क्या करता है होस्ट के इंटरसेलुलर स्पेसेस, और इंटरसेलुलर स्पेसेस में क्या है कि ये होस्ट के जिस जगह पे जाएगा वहां पर उनकी सेल में ग्रोथ करके और होस्टोरिया द्वारा एब्जॉर्प्शन के माध्यम से भोजन को क्या करेगा आपका ग्रहण करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इन अस्टिलेगो और स्मट फंजाई। अब बच्चों जो मेरा आज का ये जो लेक्चर था वो यहीं फिनिश होता है, और कल के लेक्चर के लिए आपको आज ही टॉपिक डिसाइड करें दे रहे डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कल के मेरे लेक्चर में कल शाम को आपको मिलेगा इसका, आज आप लोग इसको स्टडी करिए। कभी कभी अंतर बन जाता है प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम, वो भी यहीं से क्रैक हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम आने वाले हैं।